اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم أجرني من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہس ہس کے سنتے ہیں میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہس ہس کے سنتے ہیں انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے اللہ رب العزت والجلال نے ہر انسان کو اپنی صحیح سمت متعین کرنے کے لیے آخرت کے دو راستے دکھائے ہیں ایک جنت کی طرف لے جاتا ہے دوسرا جہنم کا پتہ دیتا ہے اگر دنیا میں خاتمہ ایمان پر ہوا تو ٹھکانہ جنت اور بے ایمانی کی حالت میں اگر دنیا سے رخصت ہوا تو انجام جہنم ہوگا اب ہر انسان دنیا ہی کے اندر اپنے اپنے اعمال کی روشنی میں خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ جنت کے قریب ہو رہا ہے یا جہنم کے نزدیک پہنچ رہا ہے جہنم ایک خوفناک جگہ کا نام ہے جہنم کی وحشت کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کے سردار روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ گھبراتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے
यूं अचानक आने की वजह पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मालूम की तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम को दहकाया, जहन्नम को भड़काया है, घबराहट की वजह से, उसकी दहशत की वजह से मैं आपके पास चला आया। जहन्नम की गहराई का आलम यह है कि ताजदार मदीना इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमाए, क्या अचानक जोर से किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी। सहाबा ने चौंक कर इधर उधर देखा, सवालिया नजरों से पैगंबर अलैहिस्सलाम की जियारत की कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नमूदार हुए और नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब से 70 साल पहले एक पत्थर जहन्नम के अंदर फेंका गया था जो आज 70 साल के बाद उसकी आखिरी तह तक पहुंचा है, ये उसी के गिरने की आवाज थी जो आपने दुनिया में सुनी। आज हम दरियाओं समंदरों की गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते तो जहन्नम की गहराई का अंदाजा किस तरह लगाया जा सकता है। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि कयामत के दिन जहन्नम को अल्लाह के सामने हाजिर किया जाएगा और जहन्नम की 19 लगामें होंगी, हर लगाम का इंचार्ज और जिम्मेदार एक फरिश्ता होगा, हर फरिश्ते के पीछे 70,000 फरिश्ते होंगे जो मुआविन और मददगार होंगे और जहन्नम का हाल यह होगा, मा तज़रु मिन शैइन अतत अलैहि इल्ला जअलतहु कर्रमीन, जहां से जहन्नम का गुजर होगा तमाम चीजों को खाकिस्तर कर देगी, जलाकर राख कर देगी, सारी चीजों को फना कर देगी और अल्लाह के हुजूर सजदे में जाएगी और अल्लाह की तारीफ बयान करेगी और कहेगी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं कि जिसने मुझे मुजरिमों से बदला लेने के लिए पैदा फरमाया, और फिर अल्लाह से इल्तिजा करेगी कि मेरे परवरदिगार, आज आपके बागी, आपके मुजरिम आपके सामने खड़े हैं, आपने मुझे जिस लिए पैदा फरमाया, आप मुझे हुक्म दें कि इनको इनके अंजाम तक पहुंचा दो। जहन्नम बेकाबू हो जाएगी, जहन्नम की 19 लगामों पर 19 फरिश्ते और 19 फरिश्तों में हर हर फरिश्ते के पीछे 70,000 फरिश्तों ने जहन्नम को अपने काबू में कर रखा होगा, वरना मुजरिमीन को देखकर जहन्नम के अंदर गुस्से की ये हालत होगी और उसके अंदर इतना शोर बपा होगा, इन्नहा तरमी बिशर और इन कल कसर का अन्नहु जिमालतुन सुफ, उसके अंदर से आग के शोले निकलेंगे। अभी अल्लाह ने जहन्नम का फैसला नहीं किया, सिर्फ जहन्नम को हाजिर किया है बताने के लिए कि तुझे किस तरीके से अपने काम को अंजाम देना है, और मुजरिमीन को देखकर आग के शोले भड़काना शुरू कर देगी। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उस वक्त नबी वलियों और पैगंबरों की अल्लाह के खौफ की वजह से यह हालत होगी कि तमाम के तमाम डर रहे होंगे इस बात से कहीं आग का शोला हमारे ऊपर आकर न गिर जाए। जब नबियों की यह हालत होगी, नेकों की यह हालत होगी, तो हम अपने औकात को समझे कि हम किस जुमरे में खड़े हैं। तो जहन्नम एक खौफनाक जगह का नाम है। अल्लाह ताला ने जहन्नम के 7 हिस्से बनाए। अब हम देखें, गुफ्तगू का अंदाज मैं यहीं से शुरू करता हूं और आखिर में यहीं पर बात खत्म होगी कि नबी अलैहि सलातु वस्सलाम की बरकत से अल्लाह ताला ने हमें कितना नवाजा है। अल्लाह ताला ने जहन्नम के 7 हिस्से बनाए, लहा सबअतु अबवाब लिकुल्ली बाबिन मिनहुम जुज़्उन मक्सूम, उन 7 दरवाजों से जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर फेंका जाएगा। अब नबी की रहमत को देखिए, जहन्नम का जो सबसे आखिरी हिस्सा है, जो जहन्नम का 7वां हिस्सा, जो सारे हिस्सों में सबसे ज्यादा खतरनाक है, उसका नाम हाविया है। उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुनाफिकीन को सजा दे। उससे ऊपर का 6ठा हिस्सा जिसका नाम जहीम है, उसके अंदर अल्लाह ताला मुशरिकीन को सजा देंगे। उससे ऊपर 5वां हिस्सा जिसका नाम सकर है,
अल्लाह ताला उसके अंदर साइबीन को सजा देंगे, जो सूरज और चांद को अपना माबूद समझते हैं। उससे ऊपर चौथा हिस्सा जिसका नाम सईर है, अल्लाह ताला उसके अंदर मजूसियों को सजा देंगे जो आग को अपना माबूद बनाते हैं। उससे ऊपर तीसरा हिस्सा जिसका नाम लजा है, अल्लाह ताला उसके अंदर यहूदियों को सजा देंगे। उससे ऊपर का दूसरा हिस्सा जिसका नाम हुतमा है, अल्लाह ताला उसके अंदर नसारा को सजा देंगे। और सबसे जहन्नम का सबसे हल्का और सबसे ऊपर का हिस्सा जहन्नम है, जिसका नाम जहन्नम है, उसके अंदर इस उम्मत के गुनाहगारों को डाला जाए। जहन्नम का सबसे आखिरी सबसे खतरनाक हिस्सा हाविया, वो मुनाफिकीन का ठिकाना, वो हाविया के मुकाबले में कुछ आसान ऊपर का हिस्सा जहीम, उसके अंदर अल्लाह ताला मुशरिकीन को सजा देंगे। उससे ऊपर का हिस्सा सकर, उसके अंदर साइबीन, उससे ऊपर का हिस्सा सईर, उसके अंदर मजूस, उससे ऊपर का हिस्सा लजा, उसके अंदर यहूद, उससे ऊपर का हिस्सा हुतमा, उसके अंदर नसारा, और सबसे आसान जो हिस्सा होगा उसका नाम जहन्नम है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इस उम्मत के गुनाहगारों को डाले। यहां भी अल्लाह ने हमारे साथ एहसान फरमाया, वरना कौन सा गुनाह हमारे अंदर ऐसा नहीं है जो पहली उम्मतों के अंदर था, साइबीन के अंदर था, मजूसियों के अंदर था, नसारा के अंदर था, यहूद के अंदर था, मुनाफिकीन के अंदर था, मुशरिकीन के अंदर था, कौन सा ऐसा गुनाह हमारे अंदर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने अगर हमारे लिए कैद बनाया है तो सबसे आसान हिस्से को बनाया, उसके बावजूद भी अगर हम उससे बचने के रास्ते को तलाश ना करें तो हमसे बड़ा नाशुकरा नहीं हो सकता। तो सबसे ऊपर का हिस्सा जहन्नम, अल्लाह ताला ने सात हिस्से बनाए, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम के अंदर कारिंदों को आवाज देंगे, जो अजाब देने पर अल्लाह ताला ने मुतायन फरमाए, उनके हाथों के अंदर तौक होंगे, आग की जंजीरें होंगी, काला लिबास होगा। इज़िल अग़लालु फ़ी अअनाक़िहिम वस्सलासिलु युसहबून, जहन्नमियों को गलों के अंदर तौक डालेंगे, हाथों के अंदर जंजीरें पहनाएंगे, पांव के अंदर जंजीरें डालेंगे, काला जहन्नमी लिबास उनको पहनाया जाएगा। उसके बाद खुजूहु फगुल्लु सुम्मल जहीम सल्लु, किसी को पेशानी के बल, किसी को पांव के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। और जहन्नमियों की हालत यह होगी, यौम युदाउन इला नारी जहन्नम दआ, के धक्के मार कर जबरदस्ती जहन्नमियों को फरिश्ते जहन्नम में ले जाए। जिस तरीके से दुनिया के कैद खानों के अंदर और जेलों के अंदर मुजरिमीन जाना नहीं चाहते, जबरदस्ती जेल के अंदर उन्हें धकेला जाता है, वही पोजीशन वहां होगी। जहन्नमी जहन्नम के मनाजिर को देखकर घबरा जाएंगे और जहन्नम का रुख नहीं करेंगे, फरिश्ते जबरदस्ती उनको धक्के मार कर जहन्नम के अंदर फेंक दे। अब जहन्नम के अंदर चले गए, लिबास भी पहन लिया, अब वहां जाकर लड़ाई शुरू होगी। कुल्लमा दखलत उम्मतुल लअनत उख्तहा हत्ता इदा दारकु फीहा जमीअ, आपस में एक दूसरे को कहेंगे तेरी वजह से जहन्नम में आया, वो कहेगा तेरी वजह से जहन्नम में आएगा। बाप बेटे को, बेटा बाप को, शोहर बीवी को, खानदान वाले आपस में एक दूसरे को, दोस्त अहबाब एक दूसरे पर लान तान करेंगे। नतीजा ये होगा मा अगना अन्नी मालिया, हम खुद मुजरिम है, कोई किसी के काम आने वाला नहीं। अब जब जहन्नम के अंदर चले गए, आपस में लड़ाइयां भी हो गई, अब भूख सताएगी, अब अल्लाह ताला से खाना मांगेंगे। इन शजरत ज़क़ूम ताआमुल असीम कल मुहल यगली फिल बुतून, अल्लाह ताला ज़क़ूम का दरख्त जहन्नमियों को खाने के लिए अता फरमाए। ज़क़ूम का इतना तल्ख दरख्त होता है, कांटेदार, कि अगर दुनिया के अंदर एक मरतबा जबान पर लगा लिया जाए तो पूरे दिन उसकी करवाहट खत्म नहीं हो सकती, इतना तल्ख होता है। वो खाने के लिए दिया जाएगा, भूख की वजह से उसे खाने की कोशिश करेंगे लेकिन हलक के अंदर अटक जाएगा, वो नीचे नहीं उतरेगा। फिर अल्लाह ताला से पानी मांगेंगे, अल्लाह ताला खोलता हुआ पानी देंगे, सख्त पानी दिया जाएगा। और पानी की हालत यह होगी कि जब पीने के लिए गिलास मुंह के करीब करेंगे तो चेहरे की खाल उतर जाएगी, इतना सख्त और गर्म पानी होगा। फकत्ताअमआहुम, उसे घूंट घूंट करके पिएंगे और अंदर का सारा सामान इस्तंजे के रास्ते बाहर आ जाएगा। खाने की कोशिश करेंगे, खाना अंदर नहीं पहुंचता, पीने की कोशिश करेंगे, अंदर का सारा निजाम खराब हो जाएगा और वो पानी भी नहीं पी सकते। उसके बाद जब रो धोकर एक जगह जमा होंगे और फिर जहन्नम के दरोगा
जो जहन्नम का सबसे बड़ा जिम्मेदार है, जिसका नाम मालिक है, उसे पुकारेंगे वनादौ या मालिकुल यक्ज़ी अलैना रब्बुक, मालिक मालिक मालिक, हजार साल तक उसे आवाज देंगे, हजार साल के बाद वो जवाब देगा, बताए, वो कहेंगे अल्लाह से दरख्वास्त करो कि हमें मौत आ जाए, अब कोई मौत आने वाली नहीं। कुल्लमा नज़िदत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब, अल्लाह ताला बार बार मौत देंगे जिंदगी देंगे, मौत देंगे जिंदगी देंगे, अजाब दिया जाएगा और जहन्नमों की पोजीशन ये हो जाएगी कि उनका दांत उहद पहाड़ के बराबर हो जाएगा, जहन्नमियों का बदन अजाब को चक्कर इतना चौड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा कि मक्के और मदीने के दरमियान 400 किलोमीटर का फासला है, उतने इतनी जगह उनके बैठने की जगह होगी, 90 फीट उनकी खाल हो जाएगी और उनके कांधे इतने हो जाएंगे कि घोड़ सवार 3 दिन 3 रात मुसलसल दौड़ता रहे, 3000 किलोमीटर तक उनके कांधे और पहाड़ की बराबर उनके दांत, 90 फीट उनकी खालें और 400 किलोमीटर उनके बैठने की जगह, अल्लाह तबारक व तआला बार बार अजाब देंगे और बार बार उनको जिंदा करेंगे, वहां मौत आने वाली। उसके बाद 5 मरतबा जहन्नमी अल्लाह ताला से बातचीत करने की कोशिश करें, जब दरोगा से ना उम्मीद हो जाएंगे और जब आपस में लड़ लेंगे, जब खाने पीने की फरमाइशें पूरी हो जाएंगी और जब अपना आखिरी अंजाम उनको नजर आने लगेगा, तो फिर अल्लाह ताला से कहेंगे रब्बना अमत्तनस्नतैनि वअहयतनस्नतैनि फअ'तरफना बिज़ुनूबिना फहल इला खुरूजिन मिन सबील, ए अल्लाह हमको 2 मरतबा जिंदगी मिल चुकी है, हमें मौत भी आ चुकी है, ए अल्लाह हमने अपने जुर्मों का एतराफ कर लिया, वाकई हम मुजरिम है, 1 मरतबा आप दुनिया के अंदर भेज दीजिए, आपके हुक्म के मुताबिक हम दुनिया के अंदर अमल करेंगे। अल्लाह की तरफ से आवाज दी जाएगी, ज़ालिकुम बिअन्नहु इदा दुअ अल्लाह वहदहु कफरतुम व इन युशरक बिही तुमिनु, ये दुनिया के अंदर तुम मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करोगे, मैंने पहले दुनिया के अंदर तुम्हें भेजा था, तुमने मेरे साथ दूसरों को शरीक किया, शिर्क वाले अमाल में खुश हुए, अगर वाकई तुम मुझे अपना रब समझते थे तो जब मैंने तुम्हें जिंदगी अता फरमाई थी, जब तूने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की, अब क्या गारंटी है कि दुनिया के अंदर जाकर तू मेरे हुक्मों पर अमल करेगा, याद रख उस दुनिया के अंदर तू दूसरों को मअबूद बनाता था, कुल हुक्म लिल्लाहिल अलीयिल कबीर, आज तो हुक्म उसी रब का चलेगा जो बड़ी शान वाला है, और उसका हुक्म यह है कि तुम्हारी सजा यही है। हजार साल तक रोते रहे, फिर दूसरे 1000 साल के बाद अल्लाह ताला से दरख्वास्त करेंगे, रब्बना बसरना व समिना फरजना नअमल सालिहन इन्ना मुकिनून, ए अल्लाह हमने अपनी आंखों से जन्नत और जहन्नम के मनाजिर को देख लिया, अपने कानों से अपने अंजाम के बारे में सुन लिया, हमें यकीन आ गया, अल्लाह ताला 1 मरतबा दुनिया के अंदर भेज दीजिए, हम जिंदगी भर सजदे के अंदर गुजार देंगे, अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आएगी, फजूकु बिमा नसीतुम लिका यौमिकुम हादा इन्ना नसीनाकुम वजूकु अज़ाब अलखुल्द बिमा कुंतुम तअमलून, तुम तो दुनिया के अंदर इस दिन को भूल गए थे, कोई जन्नत और जहन्नम नहीं है, कोई मरना जीना नहीं है, जब तुम दुनिया के अंदर भूल चुके थे, तुमने दुनिया में मुझे भुलाया, आज आखिरत में मैं रब तुमको भुलाता, अपने किए की सजा भुगतते रहो। 3री मरतबा 1000 साल के बाद फिर अल्लाह ताला से फरियाद करेंगे, रब्बना अखिरना इला अजलिन करीब नुजिब दावतका व नत्तबिउ रुसुल, अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, 1 मरतबा आजमा कर हमें देख लीजिए, हम रसूलों की दावत पर लब्बैक कहेंगे, दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, थोड़े से लम्हात के लिए आखिरी मौका दे दीजिए, अल्लाह ताला फरमाएंगे अवलम तकूनु अक्समतुम मालकुम मिन क़ब्ल मिन सवा, आज तुम कहते हो कि थोड़ी सी मोहलत, ये थोड़ी सी मोहलत आज तुम मांगते हो कि दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, अवलम तकूनु अक्सम तुम मिन कबल मालकुम मिन सवाल, इससे पहले तुम कसम खाया करते थे कि ये दुनिया यूं ही चलती रहेगी, हमें फना नहीं होना है, जिसकी चाहे जमीन दबाएं, जिस पे चाहे जुल्म करें, जिसके चाहे हम दूसरों के हकूक दबाते रहे, हमारे साथ कोई बात पुरस नहीं होनी है, कोई हिसाब किताब नहीं होना है, तुम तो अपने मीटिंगों के अंदर बैठ बैठ कर हंसा करते थे और गारंटी लिया करते थे, कसमें खाया करते थे कि यूं ही मजे आते रहेंगे, कोई दुनिया कोई जहन्नम कोई जन्नत नहीं, आज तुम किस तरह कहते हो थोड़ी सी मोहलत चाहिए, अल्लाह के अंदाज को देखिए, हर मर्तबा नया अंदाज अल्लाह ताला अपनाते, फिर 4थी मर्तबा अल्लाह ताला से कहेंगे रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैर अल्लज़ी कुन्ना नअमल, अल्लाह 1 मर्तबा भेजिए, अगर आप कहें तो पूरी जिंदगी खड़े होकर गुजार देंगे, 1 मर्तबा भेज दीजिए,
अल्लाह ताला फरमाएंगे अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर, हमने एक मर्तबा भेज दिया तुम्हें दुनिया के अंदर, जिंदगी दी तुम्हें, डराने वाले रसूल आए, नबी आए, कुरान और हदीस तुम्हारे सामने था, तुम्हें हमें अकल दी, तुम्हें अकल सलीम अता फरमाई, जब तुम ईमान लेकर नहीं आए, अब रोने रोने से क्या फायदा। पांचवी मर्तबा फिर अल्लाह ताला से कहेंगे काल अखरुज मिनहा फैन उदना फैना सालिमून, अल्लाह अगर हमने इस मर्तबा गलती की तो वाकई हमसे बड़ा कोई मुजरिम नहीं होगा। अल्लाह ताला पांचवी मर्तबा में इस सख्ती के साथ डांट फरमाएंगे कालक सऊफी हावला तुकल्लिम, खबरदार मुझसे बात करने की जरूरत नहीं। और फिर अल्लाह ताला उनके साथ मजाक करें और कहेंगे अच्छा इन्नहु काना फरीकुम मिन इबादी यकूलूना रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वरहमना वअंत खैरुर राहिमीन, मेरे कुछ बंदे दुनिया के अंदर ऐसे थे जो अपनी दुआओं में अल्लाह ताला मुझसे मांगा करते थे ए अल्लाह हम आप पर ईमान लाए, आप हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाइए, आप हमारे ऊपर रहम फरमा दीजिए, आप सबसे ज्यादा रहम करने वाले हैं, मेरे बंदे जब तुमको समझाया करते थे तुम्हारी पोजिशन ये थी फ़त्तख़ज़्तुमूहुम सिख़रिया, तुम मजाक उड़ाया करते थे और मजाक में तुम्हारी हालत यहां तक पहुंच चुकी थी हत्ता इदा अंसौकुम ज़िक्री, और तुमने मुझे भुला दिया था कि कोई तुम्हारी पकड़ करने वाला भी दुनिया के अंदर मौजूद है। वकुंतुम मिन्हुम तज़हकून, तुम उनकी मजाक भी उड़ाते, उनके ऊपर ताहनो तशनी भी किया करते और मजीद उनके ऊपर हंसा करते, वो तुम्हारे पास आते तुम्हें अच्छी बात बताते, वकुंतुम मिन्हुम तज़हकून, हंसी के अंदर तुम उनकी बात उड़ा दिया करते थे, इन्नी जसैतुहुमुल यौमा बिमा सबरू अन्नहुमुल फाइज़ून, जिनका तुमने मजाक उड़ाया और जिनके ऊपर तुम हंसे आज देखो अन्नहुमुल फाइज़ून, जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम उनके लिए। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे अफमन युल्का फिन्नारी खैरुन अम्मन याती आमिनन यौमल क़ियामा, जो जहन्नम के अंदर डाला गया वो कामयाब है या जो जन्नत के अंदर पहुंचा वो कामयाब है, तुम ही बताओ कौन कामयाब है। अल्लाह ताला पांच मर्तबा उनसे गुफ्तगू फरमाएंगे और हर मर्तबा उनकी दरख्वास्त को खत्म कर दिया जाएगा, जहन्नम के दरोगा हजार साल के बाद उनको जवाब देगा और अल्लाह ताला जकूम का कड़वा दर्द उनको खाने के लिए देंगे और उनके बदन से निकला हुआ पीप उनको पीने के लिए दिया जाएगा, आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे, कोई सुनवाई होने वाली नहीं है, उस वक्त भी अगर कोई काम आ सकता है तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक्दस ही काम आ सकती है। जहन्नम सबसे हल्का ठिकाना जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए बनाया है, हम गुनहगारों के लिए बनाया है, उस जहन्नम के सबसे हल्के हिस्से का आलम यह था कि एक मर्तबा सहाबा ने नबी से मालूम किया या रसूल अल्लाह अल्लाह ताला ने जहन्नम के सात हिस्से बनाए हैं, हाविया किसी के लिए बनाया, जहीन किसी के लिए बनाया, सईर और सकर किसी के लिए बनाया, लज़ा हुतमा किसी के लिए बनाए, सबसे आसान अजाब के लिए जहन्नम का सबसे हल्का हिस्सा अल्लाह ताला ने इस उम्मत के गुनहगारों के लिए बनाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा की जबान से ये अल्फाज सुने तो बेहोश हो गए और तीन दिन तक खाना पीना छोड़ दिया, नमाज पढ़ाते और पढ़ाने के बाद किसी से बात किए बगैर अपने हुजरे में चले जाते, ना खाना खाया ना पानी पिया, आपने पेट भरकर खाना भी ना खाया, पेट भरकर पानी ना पिया, आपने सुकून से आराम ना किया, आपने बीवियों से मुलाकात ना की, आपने किसी से बातचीत ना की और तीन दिन तक अपने हुजरे के अंदर रोते रहे। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए जिनके बारे में नबी ने फरमाया था कि अबू बकर सारी दुनिया के एहसान का बदला मोहम्मद दे चुका है लेकिन तेरी जात ऐसी है कि तेरे एहसान का बदला अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद अता फरमाएंगे। उन्होंने इजाजत चाही, मुलाकात की इजाजत ना मिली। फारूक आजम आए जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि अल्लाह इस बंदे को ईमान अता फरमा, इजाजत मांगी, मुलाकात की इजाजत ना मिली। हजरत उस्मान गनी तशरीफ लाए कि जिनके निकाह में आपने अपनी दो बेटियां अता फरमाई थी, इजाजत ना मिली। सलमान फारसी आए जिनके बारे में नबी ने फरमाया था सलमान मिन्ना, सलमान तो मेरे घर का आदमी है, इजाजत ना मिली। आखिर में तमाम के तमाम आपकी लख्त जिगर हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास पहुंचे और आपने इजाजत चाही, मुलाकात की इजाजत मिली। देखती क्या है कि नबी अलैहिस्सलाम अफसरदा हैं, आंखों से आंसू जारी हैं। आपने फरमाया रसूल अल्लाह मेरी जान आप पर कुर्बान, जन्नत और जहन्नम आपके कदमों में है, दुनिया के मनाजिर को आपके सदकात की बदौलत सजाया गया, आखिर कौन सी वजह ऐसी आ गई है, तीन दिन हो चुके हैं आप किसी से मुलाकात तक नहीं करते, खाना पीना आपने छोड़ दिया है, नमाज पढ़ाकर अपने हुजरे में आ जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा तुम्हें पता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी उम्मत के गुनाहगारों के लिए जहन्नम को तजवीज़ फरमाई।
जबकि जहन्नम सबसे हल्की जगह है। अल्लाह ताला ने और उम्मतों के लिए बहुत खतरनाक जहन्नम के हिस्से बनाए हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम जिनको कोई फिक्र तक नहीं थी, अल्लाह ताला उनकी बरकत से इंशाल्लाह हमें भी माफ फरमाएंगे। लेकिन अफसोस का आलम यह था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसू बहाते रहे। इतनी खतरनाक जगह और इतनी खतरनाक आग जहां कोई ऐसी काम नहीं कर सकती, कूलर और पंखे काम नहीं कर सकते। हाँ, उस आग को ठंडा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर इंसान के बदन में दो चश्मे जारी फरमाए हैं, से निकलने वाला पानी नदामत के साथ उस आग को ठंडा करने वाला। इसलिए दिन के अंदर अगर अल्लाह तौफीक दे तो तहज्जुद के वक्त, अल्लाह तौफीक दे किसी और वक्त, अल्लाह के सामने हम दो आंसू बहाएं और नबी अलैहिस्सलाम की वो दुआ करें, अल्लाहुम्मा चिन्नी मिनन नार, ए अल्लाह हमारी जहन्नम से हिफाजत फरमा, तो इन दो आंसुओं के बहने की वजह से अल्लाह ताला उस गर्म आग को भी ठंडा फरमा दे। अल्लाह ताला ने एक जरिया हमारे लिए मुतय्यन फरमाया है, तो हर इंसान दुनिया ही के अंदर अपने जन्नती और जहन्नमी होने का खुद ही फैसला कर सकता है कि अगर आमाल अच्छे हैं तो जन्नती है, आमाल खराब हैं तो जहन्नमी है, और जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें तौबा की तौफीक अता फरमाए और जहन्नम से बचाकर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह रब्बुल इज्जत आला से आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला तौबा।